सामने आ रही है। इस रैकेट से जुड़ी दो कॉल गर्ल समेत 7 लोगों को रांची के स्टेशन रोड से गिरफ्तार किया गया है। रांची में इस जिस्म की मंडी का संचालक अनीश नाम का शख्स है। पुलिस ने मौके से संचालक अनीश को भी गिरफ्तार किया है। रांची के सिटी डीएसपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्यवाही पर सफलता हाथ लगी है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के आधार पर कई जानकारी इकट्ठा की जा रही है। कि ये लड़कियों को लाया नहीं गया बल्कि ये इनका ग्रुप है और ये ग्रुप के माध्यम से ही ये लोग अपना धंधा चलाती हैं, क्योंकि ये तीनों लड़के जो है वो नेट पर लड़कों को फंसाने का काम करते हैं और ये लड़कियां भी फंसाने का काम करती हैं। अभी तक जो तफ्तीश में आया है कि ये लड़कियां कुल मिलाकर के धंधे में आज यहाँ नहीं 2-3 साल से पहले से ये लोग जो है ये करती हैं, इसलिए इनका पर लड़के पे जो चार्जेस है वो 2000 से लेकर 3000 के बीच में तक आया है। जो भी लड़कियाँ आई हैं वो बाहर से ही आई हैं और ये जो है रांची को सॉफ्ट टारगेट बना करके इस तरह कर रहे हैं। हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं और भी आगे छापेमारी। रांची के सिटी डीएसपी राजकुमार मेहता को लगातार जानकारी मिल रही थी कि स्टेशन रोड में स्थित कुछ होटलों में हर रात जिस्म की मंडियां सजाई जा रही हैं। इसके लिए अनीश नाम का एक शख्स व्हाट्सएप के जरिए लड़कियों का सौदा करता है। ग्राहकों को अगर लड़कियां पसंद आ जाती हैं तो उन्हें कमरा भी अनीश ही उपलब्ध कराता है। इसी सूचना पर सिटी डीएसपी ने गुरुवार देर शाम स्टेशन रोड स्थित होटल अवतार में छापा मारा, जहां कमरा नंबर 203 में 2 लड़कियों को 3 युवकों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया और दर्जनों मोबाइल भी जब्त गया है। ये सूचना प्राप्त हो रहा था कि कुछ लोग जो हैं वो ग्रुप बना करके अवैध धंधे वेश्यावृत्ति का धंधा चला रहे हैं और ये पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हम लोग लगातार इसकी सूचना संकलन कर रहे थे। हम लोग इसके पीछे काफ़ी दिन से लगे हुए थे। हम लोगों को जैसे ही पता चला कि व्हाट्सएप और नेट के माध्यम से ये लोग जो हैं अपना लड़कियों का फोटो जो है वो नेट में डालते हैं, तदुपरांत जो है ग्राहक सेट करते हैं और सेट करने के बाद एक खास जगह जो मुकर्रर होता है उस जगह पर इनको बुलाया जाता है। हम लोग इसी सूचना के आलोक में हम लोगों ने अपना टीम गठित किया। टीम गठित करने के बाद जैसे ही हम लोग को पुख्ता सबूत मिला, हम लोग जो है इस होटल में एक रेड किए हैं जो अवतार होटल है, वहाँ पर हम लोग ने रेड करने पे 2 लड़कियाँ और साथ में हम लोगों ने 5 लड़के हम लोग को बरामद पकड़े गए हैं। बहरहाल जो भी हो, लेकिन जिस तरह राजधानी रांची में जिस्म फरोसी का खेल इंटरनेट और व्हाट्सएप के जरिए फल फूल रहा है और जिस तरीके से लड़कियों को धंधे में शामिल किया जा रहा है, इससे प्रशासन को गहन चिंतन करने की जरूरत है। मिली जानकारी के अनुसार जिस्म फरोसी के धंधे में संलिप्त लोगों का नेटवर्क कई राज्यों से जुड़ा हुआ है। हालांकि पुलिस को इस मामले में सफलता तो मिली है, लेकिन इस धंधे से जुड़े और लोगों पर कब तक शिकंजा कसा जाता है ये देखने वाली बात होगी। साधना न्यूज के लिए रांची से सोहन सिंह की रिपोर्ट।